अब आ गए, मिक्स करना शुरू। ओ भाई क्या टेस्टी लग रहा है यार ये। हमारे कुलचे रेडी हो रहे हैं और ये बटर तो मैंने बता ही दिया कि अमूल बटर लग जाता है। और मेरी स्टाफ से ना व्हाट इज अप ऑब्वियसली गॉट। तो भाई लोग आज हम आए हैं लाजपत नगर की मार्केट में, जो प्योर पार्क है उसके जस्ट सामने एक जगह लगता है सियाराम छोले कुलचे खाने के लिए। देखो अगर आपने कभी भी छोले कुलचे के आप शौकीन हो और सियाराम के छोले कुलचे नहीं खाए तो भाई आपने असली टेस्ट मिस कर दिया, क्योंकि ये शॉप है मतलब ऐसी नहीं है, बहुत पुरानी, मतलब लगभग 2-3 पीढ़ी से चलती आ रही है, 64 साल हो गए इसको खोले हुए। तो ऐसा करते हैं डायरेक्टली भैया से बात करते हैं और इसका थोड़ा सा जायका लेते हैं। तो भैया क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा संदीप नाम है। संदीप, तो भैया जो आपकी जो है छोले कुलचे का ये कहाँ पे लगाते हैं? ये यहीं लगता है, पहले अंदर था। अच्छा। ये पार्क नहीं था पहले। अच्छा पार्क के अंदर था पहले। लाजपत नगर में कहाँ पे एक बार बता दूँ? सेंटर मार्केट प्या वाला पार्क है। अंदर वाले मार्केट प्या वाला पार्क। हाँ सेंटर मार्केट। सेंटर मार्केट में। तो अभी कितना टाइम हो गया होगा भैया खोलते हुए? ये हो गए 64-65 साल में हो गए। अच्छा 64-65 साल हो गए इसको खोले मेरे दादा के टाइम के। अच्छा लगभग 2-3 पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। तीसरी पीढ़ी है ये। तीसरी पीढ़ी हो गई है, अभी और चलेगा। तो अभी जो आप जब पहले स्टार्ट करा था जैसे दादा ने, तो एक प्लेट एक खाली छोले अंदाजा है कितना मतलब क्या रेट था उस टाइम? अभी पापा बताते हैं, एक आना दो आना देखते थे। अच्छा उस टाइम, उस टाइम एक आना दो आना। और अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 60 रुपये प्लेट है। 60 रुपये प्लेट है। और 60 रुपये प्लेट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है? छोले हैं, 3 कुलचे हैं और अचार सर। अच्छा छोले कुलचे और अचार। और अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ थोड़े बहुत स्टाफ में भी बहुत सारे लोग हैं, तो कौन कौन है, क्या कितने लोग हैं लगभग? सभी फैमिली है हमारी। अच्छा पूरी फैमिली मिलजुल के करती है? मामा है, चाचा है, मामा चाचा भाई, सारी फैमिली है, पूरी फैमिली है। तो टोटल कितने लोग होंगे लगभग? होंगे 10-12 मेंबर होंगे टोटल। चलो यार इसको लगाते हैं, हम भी अपनी प्लेट लगवा लेते हैं। बहुत नाम सुना है आपका ये सब छोले कुलचे का। दिल्ली में अगर छोले कुलचे आपके नहीं खाए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। एक बार अपने शॉप का नाम और एक बार दोबारा लोकेशन बता दोगे? सियाराम छोले कुलचे, नियर बाय बोलते ना प्या वाला पार्क। नियर बाय प्योर प्या वाला पार्क, एक सीधी ड्राई फ्रूट है इसके पास ही है। भाई लोग ये है, देखो भाई हमारे हरीश भाई, हरीश भाई यहाँ पे छोले बनाते हैं ना भैया। अच्छा एक बार छोले एक बना दो, कैसे बनाते हैं? तो ये सबसे पहले क्या डाले? छोले डाल, ये छोले डाल दिए, बड़े डेग से निकाल के छोटे डेग में डाल देते हैं। फिर मसाला, ये मसाले डाले, नमक, नमक थोड़े और मसाले डाल दिए, आम की चटनी, ये आम की चटनी, आम की चटनी डाल दी। अब लग रहा है टेस्टी धनिया, लास्ट करा धनिया। ओ हो हो क्या बात है, मिक्स करना शुरू। धनिया थोड़ा सा और डाल के प्लेट में लगा दिया और लगा लास्ट में प्याज और नींबू, थोड़ा सा और धनिया, लास्ट में डाली मिर्च। क्या बात, बहुत ही ज्यादा हमारे छोले छोले बन गए रेडी। कुलचे की बारी आती है। तो भैया जो ये जो कुलचे आप सेकते हो ये मतलब किससे सेकते हो? मतलब बटर से सेकते हो मैं देख रहा हूँ, अमूल बटर, अमूल बटर होता है, मतलब इसमें क्वालिटी एकदम बढ़िया मिलती है ना। हेलो देखो अपने कुलचे की बारी आ गई और ये हमारे कृष्णा भाई है जो कुलचे बनाते हैं। कृष्णा भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो भाई देखो कुलचे बनने स्टार्ट हो गए, देखो सबसे पहले इसको क्या करते थे भैया? बटर लगाते हैं। पहले इसमें बटर लगाया और कुलचे में और ऊपर के साथ में आपने धनिया भी डाल दिया। क्या बात, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। धनिया वाले हमारे कुलचे रेडी हो रहे हैं और ये बटर तो मैंने बता ही दिया कि अमूल बटर लग जाता है। क्या बात, बहुत टेस्टी बना रहे हैं। धनिया लगा के पूरा पलट दिया है कि हर जगह मतलब हर साइड पर धनिया लग जाना चाहिए। फिर यहाँ पर प्लेट निकाल दी, प्लेट लगा दी। क्या बात है, कुलचे हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। भैया मेरे को एक बात पूछनी थी, जो आप छोले कुलचे वो पैक भी कर सकते हैं यहाँ पे? हो जाते हैं ना, कितने भी करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जितने मर्जी जितने मर्जी करवा लो। तो भाई हमने कुलचे बन गए, चलो अपनी प्लेट अब आ जाएगी, जब सीधा खाएंगे। तो फाइनली भाई हमारी प्लेट आ गई है, कृष्णा भाई ने दे दी है। तो छोले कुलचे नीचे देखो कुलचे रखे हुए, ऊपर छोले, बड़ा मिर्च का अचार, नींबू और टिश्यू पेपर के साथ लगा के। तो भाई लोग देखो अपने छोले कुलचे की प्लेट आ गई, सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, अब इसको हम थोड़ा टेस्ट करके बताएंगे। पहले मैं छोले को थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे एक पीस मैं तोड़ लेता हूँ, और ये पीस हमने तोड़ लिया, अब यहाँ पे लगाया
और भाई साहब, ओ भाई क्या टेस्टी लग रहा है यार ये। भाई साहब पूरा प्रॉपर छोले का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है भाई, कुलचे का एक अलग आ रहा है और कुलचे के साथ साथ मतलब मेरे को बटर का भी एक टेस्ट आ रहा है अच्छा सा। अगर मैं एक और बाइट लूँ जिसमें थोड़े से छोले कम लगाऊँ तो देखते हैं मेरे को कम छोले लगाने पे ज़्यादा टेस्ट आता है। ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है यार, छोले अगर कम भी लगाओ तो भी छोले का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है और बटर का, क्योंकि कुलचे में ना इतना सारा बटर लगा रखा है धनिया के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। साथ में भाई सलाद में नींबू भी दे देते हैं, प्याज भी दे देते हैं, क्योंकि देखो यार अगर छोले कुलचे के साथ नींबू ना हो तो मतलब मज़ा ही नहीं है। फिर छोले में नींबू निचोड़ो और फिर खाओ। अब प्याज भी दे रखा है तो भाई मिक्स विक्स करके भाई अचार भी दे रखा है वो भी मिर्च का। तो इसको भाई मैं तो ऐसे करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हुए, कुछ अलग खाते हुए। आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय, सी यू, टाटा, आई लव यू। और ये इन्जॉय करो।